दोस्तों, लैपटॉप आश्रम में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त निशांत आज एक नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ एक नए लैपटॉप के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लिनोवो का एंट्री लेवल लैपटॉप आइडियापैड 1। देखिए, एंट्री लेवल लैपटॉप है जो लिनोवो अपने बेसिक लैपटॉप से एक स्टेप ऊपर लेके आता है। जैसे इनिशियल हम बात करते हैं तो प्रोसेसर या एथलोन जो इनिशियल लैपटॉप होते हैं उसके ऊपर आता है i3 और Ryzen 3। तो आज हम बात करेंगे Ryzen 3 लैपटॉप की जो लिनोवो का काफी हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है, मार्केट में काफी मिलता है। हमारे पास काफी क्वेरीज आती हैं कि आप Ryzen 3 लिनोवो के ऊपर एक अनबॉक्सिंग करिए, उसकी वीडियो बनाइए। तो आज हम उसी लैपटॉप को लेकर आए हैं आपके सामने, जिसकी हम अनबॉक्सिंग करेंगे, स्पेसिफिकेशन देखेंगे और एज पर आवर प्रॉमिस हम उसको ओपन करके भी दिखाएंगे। ओपन मतलब फिजिकली ओपन करके भी दिखाएंगे। अपनी सभी वीडियोस में लैपटॉप्स को फिजिकली ओपन कर रहे हैं, हम इसको भी फिजिकली ओपन करेंगे। आपको बताएंगे आप लैपटॉप में क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा, हम पूरी डिटेल लेके आएंगे लैपटॉप की। और जिन दोस्तों ने हमारा चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं उनसे ये कहना चाहूंगा, हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा। इससे आपके को आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलेंगे। हम आगे जो भी लैपटॉप्स लॉन्च होंगे हम सबकी कोशिश करेंगे, सबकी वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे, अनबॉक्सिंग करेंगे और कोशिश करेंगे सबको फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखाएं। तो दोस्तों, पेश है आज का लैपटॉप लिनोवो आइडियापैड 1। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं लैपटॉप के बॉक्स पे क्या क्या लिखा हुआ, उसकी स्पेसिफिकेशन क्या लिखी हुई है। सबसे पहले आप ऊपर लिखा हुआ है इसमें लिनोवो सीपीयू एएमडी राइजन 3 3250U 2.6 GHz जो इसका प्रोसेसर है। स्टोरेज है 512 GB SSD, रैम है 8 GB, GPU इसमें इंटीग्रेटेड आता है। डिस्प्ले है 39.62 cm फुल HD, दैट मीन्स 15.6 inches की इसमें डिस्प्ले है। बैटरी 3 cell की है। जो ऑपरेटिंग सिस्टम इसके साथ आता है विंडो 11 होम SL के साथ ये लैपटॉप आपको मिलता है। तो चलिए लैपटॉप ओपन करते हैं। तो उससे मेरा क्या फायदा? रुको जरा, सबर करो। देखते हैं लैपटॉप के बॉक्स में क्या क्या है, क्या क्या मिलता है। लैपटॉप है, हम देखते हैं अंदर क्या है। इसमें अडैप्टर, पावर कोड है, 65 वॉट का आपको लेनोवो का अडैप्टर मिलता है। मैनुअल मिलते हैं आपको इसमें। तो चलिए ये रखते हैं साथ में। अब देखते हैं इसकी लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन। हो, बड़ा ही स्लीक लैपटॉप दिया है, सिल्वर कलर के अंदर आपका लैपटॉप लिनोवो ने दे रखा है। आप फील नहीं कर सकते वीडियो में, लेकिन आप देख सकते हैं, काफी मैं फील कर सकता हूं, काफी स्मूथ लैपटॉप है। फिनिशिंग काफी अच्छी लगी मुझे लैपटॉप की। इसके हम बैक साइड में देखते हैं एक बार लैपटॉप के। सबसे पहले इसमें रबड़ दे रखी है, एक लंबी रबड़ है पूरे जो कवर करती है, दो स्मॉल रबड़ दे रखी है। रबड़ इसलिए होती है लैपटॉप थोड़ा सा हवा में रहे। आप देखेंगे इसमें वेंट दे रखा है कूलिंग के लिए, आपकी एयर पास होने के लिए वेंट है। विंडोज का स्टिकर दे रखा है, मैं आपको इसमें दिखाता हूं। यहां आपके स्पीकर्स दे रखे हैं 1.5 वॉट के दो स्पीकर लेनोवो इसमें देता है। दोस्तों, सबसे पहले हम लैपटॉप के ना पोर्ट्स देखते हैं, लैपटॉप में पोर्ट्स कौन कौन से दिए हैं लेनोवो ने। देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, दो पोर्ट दे रखे हैं इसमें लिनोवो ने। एक है आपका USB 2.0, दूसरा पोर्ट है आपका कार्ड रीडर। मैं आपको एक बात बता देता हूं कि अगर आपको फास्ट डाटा ट्रांसफर चाहिए तो आपको 3.2 USB की रिक्वायरमेंट होती है, जो इन्होंने दूसरी तरफ दे रखा है। जो 2.0 है आपका पोर्ट, आप कोशिश करिएगा उसमें प्रिंटर या आपने कोई भी USB डिवाइस, माउस वगैरह लगाना है या आप उसपे वो यूज कर सकते हैं। यहां पे देखिएगा आपको पोर्ट दे रखे हैं, एक आपका पोर्ट है चार्जिंग का पोर्ट है जिससे लैपटॉप आपका चार्ज होता है, एक आपका USB दे रखा है,
3.2, यहां पे आपका 3.2 आपका यूएसबी है। आपको मैं बता दूं इसमें डिफरेंशिएट आप कैसे कर सकते हैं, यहां पे एसएस लिखा हुआ है, आप ध्यान देंगे एसएस है, दैट मींस सुपर स्पीड, ये 3.2 है, डाटा ट्रांसफर रेट इसका काफी फास्ट होता है। एक आपको इसमें टाइप सी पोर्ट भी दे रखा है, टाइप सी से भी डाटा काफी फास्ट ट्रांसफर होता है, लेकिन टाइप सी अभी बहुत कम इक्विपमेंट्स आए हैं, अधिकतर यूएसबी से अटैच होते हैं। एक आपको 1.4 एचडीएमआई दे रखा है और एक पोर्ट है आपका 3.5 mm का ऑडियो जैक आपके हेडफोन के लिए और आपके एक्सटर्नल स्पीकर्स के लिए, वो आपको मिलता है। तो चलिए दोस्तों लैपटॉप को अब हम ओपन करते हैं, बूट अप करते हैं। तो दोस्तों हमने लैपटॉप का फर्स्ट बूट अप सेटअप पूरा कर लिया है, जिसमें नॉर्मली 5 से 10 मिनट लगते हैं। अब हम लैपटॉप ओपन करते हैं। देखिए नॉर्मली हम बूट अप करते हैं तो इसको लैपटॉप ओपन रखते हैं, आपने ध्यान दिया होगा मैंने सिर्फ इसका लीड ओपन किया था, लैपटॉप अपने आप ऑन हो गया। ये इस लैपटॉप की खासियत है कि जैसे ही आप इसका लीड ओपन करते हैं लैपटॉप ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, आपको पावर बटन प्रेस करने की इसमें जरूरत नहीं पड़ती है। बात करते हैं लैपटॉप की, लैपटॉप विंडो 11 लेटेस्ट एडिशन के साथ आता है। मैं आपको और बता दूं इसमें विंडोज के साथ साथ ऑफिस 2021 लेटेस्ट एडिशन भी आपको मिलता है, होम एंड स्टूडेंट, जिसमें वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट मिलते हैं, दोनों ही आपके लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन के साथ आते हैं। जब तक आपका लैपटॉप रहेगा दोनों सब्सक्रिप्शन आपके ओरिजिनल रहेंगे। अब हम बात करते हैं इसके कीबोर्ड की। फुल साइज 15.6 इंचेस का इसका कीबोर्ड है, नॉन बैकलिट कीबोर्ड आता है इसके साथ, की ट्रैवलिंग स्पेस काफी अच्छा है, न्यूमेरिक कीपैड के साथ आपको मिलता है। बात करेंगे इसमें स्टिकर्स की, AMD Ryzen 3 इसमें प्रोसेसर दे रखा है, उसका स्टिकर लगा है। AMD के सभी लैपटॉप्स में AMD Radeon ग्राफिक्स होता है, उसका भी स्टिकर है। साथ में आप देखेंगे 15.6 इंचेस का लैपटॉप है, इसमें IdeaPad Slim 1 है, उसका स्टिकर दे रखा है। ई सपोर्ट का आपके आइसकार कीबोर्ड देखा, आप स्कैन करिए और आपको सपोर्ट के लिए जो भी नंबर्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। साथ में माउस पैड है, बहुत बड़ा नहीं करेंगे, एक माउस पैड दे रखा है इसमें एक छोटा। आगे देखेंगे Lenovo इस पे लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लैपटॉप की कॉन्फ़िगरेशन की। देखिए शुरुआत हमेशा होती है प्रोसेसर के साथ, इसमें भी हम देखते हैं प्रोसेसर AMD Ryzen 3 है, 3000 सीरीज 3250U विद Radeon ग्राफिक के साथ आपका प्रोसेसर आता है। अगर हम बात करेंगे बेस स्पीड की तो 2.6 GHz इसकी बेस स्पीड है और ये टर्बो बूस्ट टेक्नोलॉजी के साथ आता है, जो बूस्ट अप होकर 3.5 GHz तक आपकी क्लॉक स्पीड जाती है। अब बात करेंगे कोर की तो 2 कोर का प्रोसेसर है, हालांकि AMD अधिकतर अपने प्रोसेसर्स में 4 कोर देता है, लेकिन इसमें 2 कोर का प्रोसेसर दे रखा है। और थ्रेड की बात करेंगे तो 4 थ्रेड हैं इसके साथ और L3 कैश है इसमें, 4 MB आपको मिलती है। तो देखिए बहुत मल्टीटास्किंग आप इस लैपटॉप में नहीं कर पाएंगे। बात करते हैं मेमोरी की, 8 GB की इसमें रैम दे रखी है, स्पीड है 2400 MHz की। इसमें आपका स्लॉट दिखा रखा है 2, लेकिन इसके अंदर मैं आपको बता दूं एक ही स्लॉट है, वो आपको हम दिखाएंगे जब लैपटॉप को फिजिकली ओपन करेंगे। तो आप इसमें रैम को अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, एक ही स्लॉट है, मैक्सिमम इसमें जो रैम सपोर्ट करता है वो 8 GB है। तो इस लैपटॉप के अंदर जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे यही लगा रैम का, कि इसमें एक ही स्लॉट है और आप सिर्फ 8 GB तक ही रैम को ले जा सकते हैं, 16 GB आप नहीं कर सकते, भूल जाइएगा 16 GB इसमें करने के लिए। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें डिस्क जो दे रखी है, इंटेल की SSD दे रखी है 512 GB NVMe, जिसमें कैपेसिटी मिलती है आपको 477 GB की। 512 GB एक आज के डेट में बहुत है, होती है स्टोरेज, क्योंकि अधिकतर तो हम चीज़ें क्लाउड पे ही रखते हैं, इसलिए 512 GB मोर देन एनफ है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गेमिंग, काफ़ी गेमिंग करनी है या बहुत ज़्यादा ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, तब आप इसमें SSD को अपग्रेड कर सकते हैं। बात करेंगे वाईफाई की, आपको वाईफाई इसमें मिलता है 5 और जो ब्लूटूथ आता है 5.0 आपको इसमें मिलता है। अगर आपका राउटर 5G है तो आपको स्पीड की इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बात करते हैं ग्राफिक्स की, देखिए इसके अंदर जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है डेडिकेटेड GPU मेमोरी, यानी 2 GB का आपका डेडिकेटेड ग्राफिक्स है। AMD Radeon Vega 3 ग्राफिक्स आपको मिलता है, यानी इसमें आप
वो गेम्स प्ले कर सकते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है 2GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स की। इसमें स्पीड जो आपको दे रखी है और जो शेयर आपको दे रखी है वो 3GB है, यानी टोटल आपको ग्राफिक्स मिलते हैं 5GB, जिसमें से 2 डेडिकेटेड है और 3GB शेयर है। तो इसमें आप बेसिक गेमिंग कर सकते हैं और आप इसके अंदर ग्राफिक डिजाइनिंग भी कर सकते हैं, बहुत हाई लेवल की थी, लेकिन आप बेसिक आप इसमें कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं हम इसकी डिस्प्ले की। 15.6 इंची का फुल HD डिस्प्ले मिलता है। अगर आप रेजोल्यूशन की बात करेंगे तो 1920x1080 इसमें आपको मिलता है रेजोल्यूशन। TN पैनल के साथ इसकी स्क्रीन आती है, 220 निट्स और एंटी क्लियर आपको इसमें मिलता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि बहुत अच्छी स्क्रीन है, ठीक है फुल HD स्क्रीन है, लेकिन निट्स 250 होना चाहिए था, ठीक है, लेकिन 220 एक एंट्री लेवल के लैपटॉप में हम ये कहेंगे कि काफी अच्छी लिनोवो ने इसमें स्क्रीन दे रखी है। दोस्तों बात करते हैं कैमरे की। बात अगर हम इसकी क्वालिटी की करेंगे तो 720p इसकी क्वालिटी है, लेकिन जो लिनोवो है आजकल अपने हर लैपटॉप में शटर दे रहा है हर कैमरे के साथ। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें भी अगर हम इसको उतारेंगे तो यहाँ पे शटर है, डुअल माइक के साथ आपको मिलता है ये। आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे शटर दे रखा है, ये शटर लॉक हो गया, अब आपका कैमरा काम नहीं करेगा, अब आपके लैपटॉप को कोई हैक नहीं कर सकता। देखिए ये हैकिंग को रोकने के लिए होता है, किसी ने आपका लैपटॉप हैक कर लिया है, कोई आपकी बिना मर्जी के आपका कैमरा ऑन नहीं कर सकता, कोई आपकी वीडियोस नहीं ले सकता आपकी मर्जी से, अगर आप इसको ऑफ रखेंगे तो। इस तरीके से इस मोड पे रखिए जब आपको कैमरा ऑन नहीं करना हो तो। दोस्तों देखते हैं लैपटॉप बूटअप होने में कितना समय लेता है। देखिए हमने इसलिए बंद रखा था क्योंकि ये इसकी स्पेशलिटी है कि ये लिड ओपन होते ही लैपटॉप बूटअप हो जाता है। देखिए लैपटॉप ने बूटअप होने में करीब करीब 16 से 17 सेकंड का समय लिया। तो चलिए दोस्तों समय आ गया है ऑपरेशन का, लैपटॉप ऑपरेशन, लैपटॉप को ओपन करने का। तो दोस्तों लैपटॉप हमारा ओपन हो चुका है, बड़ा साफ लैपटॉप है। देखिए हम हर लैपटॉप को ओपन करते हैं, आप बिल्कुल भी कोशिश मत करिएगा, क्योंकि लैपटॉप सिर्फ टेक्नीशियन ही ओपन कर सकते हैं, तो आप कोशिश बिल्कुल मत करिएगा, क्योंकि इसमें काफी बहुत ही नाजुक से हुक होते हैं, अगर आप ओपन करने की कोशिश करेंगे तो वो टूट जाएंगे, फिर आपसे लैपटॉप दोबारा पैक नहीं होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लैपटॉप देखते हैं, हमारा खुला हुआ लैपटॉप, नया लैपटॉप, ब्रांड न्यू लैपटॉप आपके सामने, हमने बॉक्स से ओपन किया है और आपके सामने ही हमने इसको फिजिकली भी ओपन कर दिया है। तो दोस्तों देखते हैं लैपटॉप में क्या क्या लगा हुआ है। ये आप देखेंगे ये आपकी 512GB की SSD है NVMe, ये आपकी 8GB की एक रैम लगी हुई है। देखिए हमने जब कॉन्फिगरेशन देखी थी तो उसमें दिखा रहा था 2 स्लॉट है, 1 खाली है, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं इसमें 1 ही स्लॉट है जो आपका भरा हुआ है, वो 8GB उसमें लगी हुई है। ये लैपटॉप रैम को अपग्रेड नहीं कर सकता, आप रैम अपग्रेड नहीं कर सकते, 8GB है, इसमें 8GB ही रहेगी मैक्सिमम। ये आपका देखेंगे ये आपका वाईफाई लगा हुआ है, यहाँ पे आपका लगा हुआ है प्रोसेसर जो कनेक्ट हुआ है हीटसिंक से आपका फैन के साथ। ये आपकी बैटरी है जो आपके 3 सेल की बैटरी आती है 42 वाट आवर के साथ। आपके हमने आपको स्पीकर बता ही दिए, ये इसकी कंप्लीट है, ये मदरबोर्ड है। देखिए इसमें आप अपग्रेड क्या कर सकते हैं, इस लैपटॉप में सिर्फ आप एक ही चीज अपग्रेड कर सकते हैं जो है SSD, आप SSD ही 512 की जगह 1TB आप लगा सकते हैं।
तो देखिए हमने पूरा ओपन कर लिया, हमें सिर्फ इसमें एक ही निराशा है कि आप रैम इसमें अपग्रेड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 8 GB है और आप 8 GB तक ही इसमें सीमित रहेंगे, आप इसको 16 GB नहीं कर पाएंगे, सिर्फ आप इसमें एक SSD आप अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों लैपटॉप को हमने फिजिकली ओपन करके भी आपको दिखा दिया, उसकी कॉन्फिगरेशन भी आपने आपको कंप्लीट दिखा दिया है। तो चलिए बात करते हैं ये लैपटॉप किस यूज में आपके आ सकता है। देखिए हमने इसकी कॉन्फिगरेशन देखी, राइजन 3 8 GB और 512 GB SSD के साथ ये आपको मिलता है। 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स भी हमने आपको देखा है इसमें, AMD रेडियन का जो इसमें ग्राफिक्स आता है। देखिए अगर आप बात करेंगे गेमिंग की, तो जो गेम 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स को सपोर्ट करती है वो सारी गेम आप इसमें प्ले कर सकते हैं। ग्राफिक आप काफी हद तक इसमें कर सकते हैं, बहुत हाई ग्राफिक्स का काम नहीं कर सकते, बहुत हाई वीडियो एडिटिंग का आप काम नहीं कर सकते, लेकिन आप बेसिक ग्राफिक्स एडिटिंग का आप इसमें काम कर सकते हैं। आप इसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट ब्राउजिंग, ये सारे काम आप कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंटिंग करनी हो, 15.6 इंच का कीबोर्ड है, आप इजीली अकाउंटिंग कर सकते हैं। आपने एक्सेल पे काम करना हो, एक्सेल में काफी न्यूमेरिक कीपैड यूज होता है, आप वो भी कर सकते हैं। तो देखा जाए तो ये आपके काफी जो वर्किंग है वो काफी कवर कर लेता है, बहुत कम रह जाती है, बहुत कम वर्किंग है। जैसे अगर आप कहेंगे बहुत हाई डिजाइनिंग, बहुत हाई ग्राफिक्स, हैवी गेमिंग्स, वो आप इस लैपटॉप में नहीं कर पाएंगे। ये एक एंट्री लेवल का लैपटॉप है, लेकिन एंट्री लेवल लैपटॉप में भी सिर्फ 2 GB डेडिकेटेड ग्राफिक्स होने की वजह से आप काफी वर्किंग इसमें आप अपनी कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी प्राइसिंग की। मार्केट में ये आपको 35,000 से 40,000 के अप्रॉक्स में ये लैपटॉप मिल जाता है। लिनोवो इसके साथ 1 ईयर की वारंटी देता है। अगर आप अपग्रेड करना चाहें तो लिनोवो टाइम टू टाइम ऑफर देता रहता है, आप इसके एक्सीडेंटल वारंटी भी ले सकते हैं। जब आप लिनोवो एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो वहां पे जो सेल्स पर्सन होगा आप उससे पूछ सकते हैं कि अगर आपको एक्सीडेंटल वारंटी चाहिए तो नॉर्मली 2500 में लिनोवो 3 साल की आपको एक्सीडेंटल वारंटी कवरेज भी देता है। ये जब आप एक्सक्लूसिव स्टोर पे जाएंगे तो वहां आप इसका पता कर सकते हैं। ये आपके लिए सेफ है, अगर आपके घर में बच्चे हैं, आपको डर लगा रहता है कहीं वो डैमेज ना कर दे, तो ये वारंटी कवर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रह सकता है। तो ओवरऑल अगर मैं इस लैपटॉप की रेटिंग करूं तो ये बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। 4.9 out of 5 आप इसकी रेटिंग कह सकते हैं। इस बजट के अंदर एक आपको फुल पैकेज मिल रहा है ग्राफिक्स के साथ। वेट इसका थोड़ा सा मैं जरूर कहूंगा 1.6 kg के अप्रॉक्स आता है, बहुत ज्यादा नहीं है। नॉर्मली जो बाकी लैपटॉप आते हैं वो 1.5 kg के अप्रॉक्स होते हैं, 1.6 kg के अप्रॉक्स है। तो मैं जरूर कहूंगा कि ये लैपटॉप वैल्यू फॉर मनी है, कंप्लीट पैकेज आपको लेना वो इसमें देता है। वीडियो ये आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा। और जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़े हैं मैं उनसे यही कहूंगा कि आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको फ्यूचर में आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आगे भी हम वीडियोस लेके आते रहेंगे नए नए लैपटॉप्स की, सबको फिजिकल ओपन भी करेंगे, सबकी कॉन्फिगरेशंस आपको बताएंगे और सबका रिव्यू भी करेंगे। अगर कोई कॉन्टेंट हम आपको इसमें भी वीडियो में आपको लगता है कि हमारा कवर करना रह गया हो तो आप हमें वो भी जरूर बताएं, जिससे हम आगे आने वाली वीडियोस में उसको भी कवर कर सके। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए लैपटॉप के साथ। एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का, लाइक और शेयर ठोक दीजिए।